हाँ तो भाई लोग, कंगुआ एक पीरियोडिक ड्रामा मूवी है जो कि आज से 500 साल पहले और प्रेजेंट टाइम दोनों में मौजूद एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। और ये करेक्टर कोई और नहीं, इंडिया के वेरी प्राउड और बिलविड एक्टर सूर्या प्ले कर रहे हैं। देखो भाई, जब से SS राजामौली सर ने यहाँ पर पैन इंडिया कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है ना, लोग इस रीजन से एक्सपेक्ट करने लगे हैं भाई। एंड आई एम अफ्रेड अगले 2 या 3 सालों में बॉलीवुड का यही हाल रहा, देन इट इज गोन भाई लोग। एंड आई वांट टेल यू आल्सो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है मॉडर्न मास्टर्स SS राजामौली करते, वेयर यू विल नो अबाउट लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ राजा एंड बिहाइंड द सीन फुटेजेस ऑफ RRR एंड बाहुबली। इसके अलावा अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून और अपने अवेंजर्स मूवी के डायरेक्टर जो रसो को भी इस डॉक्यूमेंट्री में मेंशन किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको लाजमी देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्यों लोग बॉलीवुड से साउथ इंडियन सिनेमा पर शिफ्ट हो रहे हैं। बहरहाल, बात हो रही थी कंगुआ मूवी के ट्रेलर पर। कंगुआ का एक्चुअल मीनिंग फायर होता है और यही बात ट्रेलर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी होती है। इसके अलावा नॉर्मली मूवीज में एंटागोनिस्ट यानी विलन को ही हम ज्यादातर क्रूअल और ब्रूटल देखते आ रहे हैं, लेकिन कंगुआ मूवी के केस में प्रोटागोनिस्ट यानी हीरो भी फुल बीस्ट मोड वाला लग रहा है। और एनिमल मूवी के बाद बॉबी देओल का विलन के रूप में ब्रूटेलिज्म बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बताने का मकसद ये था कि एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट दोनों को सेविज अंदाज में पोर्ट्रे करने से मूवी का मजा एक अलग ही लेवल पर ले जाया जा सकता है। और यही बात कंगुआ मूवी के डायरेक्टर शिवा सर ने यहाँ पर प्रूव भी की है। ट्रेलर में बहुत ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं करा गया, लेकिन अगर मोटा मोटा गैस किया जाए तो सूर्या वाला करेक्टर जिन लोगों को काट रहा है, आई होप कि ये अपने ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए या फिर मोस्ट कॉमन इन बॉलीवुड अपनी बंदी को छुड़वाने के लिए लोगों को काट रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी बनती है ना कि सूर्या वाला करेक्टर अपने फायदे के लिए इन लोगों को काट रहा होगा और कोइंसिडेंटली अगर कुछ मासूम लोग भी रास्ते में पड़ रहे हैं तो इनको भी बचाता जा रहा होगा। मतलब जैसे KGF चैप्टर 1 में हमने देखा कि रॉकी का गोल्ड माइंस में जाने का मकसद सिर्फ गरोड़ा को मारने का होता है, लेकिन रास्ते में जो कमजोर लोग आते जाते हैं उनकी ये हेल्प भी करता जाता है। आई थिंक कंगुआ मूवी का प्लॉट इस कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड, ज्यादातर मूवीज का जब ट्रेलर आता है बॉलीवुड इवन हॉलीवुड, तो भाई साहब ट्रेलर में थोड़ी बहुत तो स्टोरी रिवील की जाती है ना, लेकिन कंगुआ मूवी के केस में ट्रेलर ने तो भाई साहब पॉसिबिलिटीज का समंदर ही मारे आगे फेंक दिया कि जाओ सालो बनाते रहो थ्योरीज। लेकिन आप VFX और एक्शन इस लेवल का दिखाया जाए तो स्टोरी पर कौन ध्यान देता है भाई। बात करें अगर मूवी के VFX और एक्शन की, तो जितना मूवी का बजट है उस हिसाब से मूवी का VFX बहुत आला और एक्शन तो यहाँ पर भाई साहब टोटली आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा लगाने से मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाया जा सकता होता तो आदिपुरुष मूवी का ऐसा हाल ना होता। लेकिन आजकल के दौर में सिंपल से सिंपल मूवी बनाने के लिए भी मेजर अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती है। लेकिन फैंटेसी मूवीज के मामले में सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसे को बहुत अच्छे और समझदारी के साथ यूटिलाइज भी करना आना चाहिए। और यही चीज SS राजामौली सर ने पिछले 4-5 सालों में प्रूव भी की है। बहरहाल, कंगुआ मूवी का एक पोस्टर आया था जिसमें सूर्या मॉडर्न टाइम्स वाली लुक में नजर आते हैं। इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि कंगुआ मूवी कम से कम 2 टाइमलाइंस में टेक प्लेस कर रही होगी। एक तो एंशिएंट टाइम्स वाली टाइमलाइन होगी जो कि हमें ट्रेलर में भी दिखाई गई है, और दूसरी टाइमलाइन ऑफ कोर्स मॉडर्न टाइम्स में टेक प्लेस कर रही होगी। लेकिन इसका रेफरेंस हमें ट्रेलर में बिल्कुल नहीं दिया गया, और ये बात कंगुआ का सेकंड ट्रेलर आने को भी कंफर्म करती है। एंड समहाउ मौजूदा ट्रेलर के मुताबिक अगर ये सेकंड ट्रेलर आता भी है तो ये मॉडर्न टाइम में चल रही सूर्या वाले करेक्टर की लाइफ को ही शोकेस करेगा। इसके अलावा एक और करेक्टर को इस ट्रेलर में मिस्ट्री रखा गया है जो कि ट्रेलर के एंड पे शो ऑफ होता है। इसका फेस तो फिलहाल रिवील नहीं करा गया, लेकिन इंटरनेट फेमस रिव्यूअर्स एंड ऑफ कोर्स IMDB यही बता रहे हैं कि कार्तिक शिवा कुमार AKA ये करेक्टर प्ले कर रहे हैं। इफ दैट हैपेंस, सूर्या VS कार्तिक सीक्वेंस अपने आप में ही एक ब्लॉकबस्टर सीक्वेंस होगा। मूवी को तो जरा साइड पे रख दो। बहरहाल, जो भी हो, कंगुआ एक R-rated मूवी है, इसलिए ख्याल करना दोस्तों। और अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी के हर मोड में तुम्हारा भी कोई ख्याल करे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे साथ बोलो कि अल्लाह करे इसराइल तबाह हो। अगर आप मेरी वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया को मेंशन करते हुए लिखना फ्री फलस्तीन। मैं देखना चाहता हूं कि फलस्तीन को इंडिया से कितने लोग सपोर्ट करते हैं।